हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज चल रही थी, तो उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि आज की ये वीडियो 13वीं वीडियो है उस सीरीज की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो सीरीज थी डेरिवेशंस की, उसकी ये 13वीं वीडियो है। और आज इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन लेकर आए हैं हम। इस डेरिवेशन को हम करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और इस संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आता है। यदि इसमें तीन भाग में देगा तो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में, और यदि वो सिंगली पूछ ले कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आएगा 3 नंबर में। और यदि आ गया इस तरीके से कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो, तो आएगा 4 नंबर में। तो हर चीज का नंबर है, तो आपको हर बातों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है और किस तरीके से आपको उत्तर देना है, यह हमेशा अपने दिमाग में मेमोराइज करते रहना, राइट। तो जैसा क्वेश्चन उसी तरीके का उत्तर आपको देना है। स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल 0 लेवल से समझेंगे, पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, और बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेशर मत लेकर आओ, मैं पूरी तैयारी कराने की गारंटी मेरी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन में जो बोर्ड पर करा दूंगा इंपोर्टेंट सीरीज में, उससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो हमारे पास में पहले तो जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। देखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा लिखोगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप कॉपी पर लिखते रहना, और यदि आप पीडीएफ में चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ में भी ये चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ में आपको लेने के लिए ऐसा करना, मैं आपको अभी मैंने एक सुपर 1000 बैच बनाया था, तो मैंने एस्टिमेट लगाया था कि 4-5 दिन में 1000 बच्चे जोड़ लूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने वो कल रात बैच अपलोड किया था तो तुरंत के तुरंत उस पर 1000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ गए। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, वो 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है आपसे। तो आप उस बैच से ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ पर इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा समय समय पर। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ आप उसको कॉपी से लिखते रहिए पेन पेंसिल से, तो क्या है कि आपको पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या फिर आप पुरानी वीडियोज देख सकते हो, वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हो, हमारे ऐप पर जाकर देख सकते हो, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ वहाँ से देख लेना। ऐप की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने भी नोट्स हैं ये दूसरे चैप्टर में हैं, तो दूसरे चैप्टर में जाकर इसका पीडीएफ भी देख सकते हो वहां पर से जाकर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहले जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। देखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा निकाय होता है जिसमें धातु की 2 सीधी व समांतर प्लेटें होती हैं, जैसे ये दिखाई दे रही है आपकी, जो एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखी रहती हैं। यह है समांतर प्लेट संधारित्र। तो क्या है, एक ऐसा निकाय जिसमें धातु की 2 सीधी व समांतर प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी रहती हैं, उसे उस निकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्लियर होगी बात, यहां तक समझ में आई। समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा निकाय होता है जिसमें धातु की 2 सीधी व समांतर प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी रहती हैं। सूक्ष्म मत लगाने, लगा देना, कुछ दूरी पर रखी रहती हैं। ओके, चलिएगा, तो ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब बात आती है डेरिवेशन कैसे करोगे। डेरिवेशन में आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या लिखनी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ या लिख दे रहा हूँ मैं, चलो लिख ही दे रहा हूँ, आप काम खत्म करो तो ऐसा है ना, फिर आपका दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, तो जो मैं बता रहा हूँ वो थ्योरी आपको लिख लेनी है। माना हमारे पास 2 धातु की सीधी व समांतर प्लेटें X और Y हैं। माना हमारे पास धातु की दो सीधी व समांतर प्लेटें एक्स व वाई हैं, जो जिनके बीच की दूरी
जिनके बीच की दूरी डी है। दिखाई दे गई, हमारे पास एक्स और वाई दो सीधी धातु की प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। ये रहा, इन प्लेट का कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा। देखो इस तरीके की प्लेट होगी, देखिए ये रही, ये है धातु की सीधी, ऐसी लंबी कर दूं तो सीधी समांतर प्लेट बन जाएगी ये, ठीक है। ऐसी एक प्लेट यहाँ पर रखिए, एक प्लेट ऐसे रख देंगे तो वो संधारित्र बन जाएगा, राइट। तो इस प्लेट का कुछ ना कुछ अपने आप में क्या है, क्षेत्रफल है, कुछ ना कुछ लंबी है, इनके बीच की कुछ दूरी रहेगी, राइट। तो उसको इस तरीके से रख दिया है, ठीक है। तो और माना कि इनके बीच में एक ऐसा माध्यम रखा जिसका परावैद्युतीय परावैद्युतांक के है, तो मैं लिख दूंगा प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक के है, राइट। माना प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक के है। अब यहां से नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से स्टार्ट करेंगे हम, पेपर में ऐसा लिख देना उसके बाद नई लाइन से लिखना, राइट। नई लाइन से क्या लिखेंगे, जब हम प्लेट एक्स को किसी स्रोत द्वारा प्लस क्यू कूलाम आवेश देते हैं, तो यह आवेश प्लेट की भीतरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। देखिए, जब हमने स्रोत से एस यानी सोर्स स्रोत से हमने प्लस क्यू को आवेश दिया तो यह भीतरी सतह पर वितरित हो गया पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा उतना ही, लेकिन विपरीत दिशा में आवेश प्लेट वाई पर उत्पन्न हो जाता है, वितरित हो जाता है पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा प्लेट वाई पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा, यानी कि इस प्लेट को हमने धनावेश दिया था, पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा इस पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। वैसे बात करी जाए तो प्लेट वाई की भीतरी सतह पर, ऐसे लिखना प्लेट वाई की भीतरी सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और वाई की बाहरी सतह पर उतना ही धनावेश, बाहरी सतह पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो प्लेट होती है ना भाई, इस पर ऋणावेश जितना उत्पन्न होगा उतना ही पीछे की साइड में धनावेश उत्पन्न हो जाता है पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा। अब हम क्या करते हैं, इसकी बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो पृथ्वी में क्या होते हैं, पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पृथ्वी को कभी देखा घरों में जब लाइट तेज आ जाती है, जैसे गांवों वाले तो अच्छी तरह से जानते होंगे, जब तेज लाइट आती है तो हम क्या करते हैं, एक तार लेते हैं और एक कील लगा के उसको जमीन में गाड़ देते हैं, अर्थ कर देते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी उसमें भी ऊपर ले जाकर एक तार,
और नीचे अर्थ कर दिया जाता है ताकि जो बिजली कड़कती है तो वो उस तार में आ जाए और आवेश सीधा पृथ्वी में चला जाए। पृथ्वी में जाने का मतलब यह है कि पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन है। जिस तरीके से समुंदर से दो गिलास पानी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरीके से पृथ्वी में कितना भी धनावेश डाल लो पृथ्वी की धारिता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें अनंत इलेक्ट्रॉन है। जितना धनावेश, मान लीजिए यहाँ पर चार धनावेश हैं तो यहाँ से पृथ्वी से चार इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको क्या कर देंगे, ऋणावेश कर देंगे यानी शून्य बना देंगे यानी कि जीरो कर देंगे। इसीलिए कहते हैं पृथ्वी का इसका सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, राइट। मतलब वैसे वास्तव में क्या होता है कि पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है, राइट। तो हम कहेंगे इसकी बाहरी सतह पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि प्लेट वाई की बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है जिससे समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। प्लेट वाई की बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है जिससे उसका समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। यह है आपका काम खत्म। इतनी ही थ्योरी लिखनी, इससे ज्यादा मत लिखना, ठीक है। क्या है कि माना हमारे पास दो धातु की प्लेटें हैं, दो धातु की सीधी व समांतर प्लेटें एक्स और वाई हैं, जिनके बीच की दूरी डी है, इनका प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, इनको ऐसे माध्यम यानी इनके बीच के माध्यम का परावैद्युतांक के है। जब प्लेट एक्स को किसी स्रोत से प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यह आवेश इसकी भीतरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, हो गया वितरित। पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा प्रेरण प्रभाव होगा तो इससे प्लेट वाई की भीतरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा इसकी बाहरी सतह पर उतना ही धनावेश, जितना ऋणावेश है उतना ही बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि धनावेश उत्पन्न हो जाता है, प्लेट वाई की बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ देते हैं जिससे इसकी बाहरी सतह का समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, राइट। ये है थ्योरी। तो इतनी थ्योरी मैंने लिख दी है, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से खत्म कर रहा हूं मैं। थ्योरी बस यही है जो भी कुछ है, ठीक है। अब इससे ज्यादा थ्योरी नहीं है, बाकी तो डेरिवेशन की वो आएंगे, बस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए चलिएगा, तो यहां तक समझ में आ गया। अब यहां के बाद आगे की चीज देखिएगा, यानी कि हमारे पास में यहां तक समझ में आ गया कि इनके समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। अब देखिएगा इन भाई इन प्लेटों के बीच का क्या था, अब मैं मान के चल रहा हूं, माना प्लेटों के बीच का प्लेटों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, माना प्लेटों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व समझते हो, यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को कहते हैं हम पृष्ठ घनत्व। भाई क्षेत्रफल है तो उसमें पृष्ठ घनत्व, यदि कोई आवेश सीधे तार पर बिखरा रहता है तो उससे क्या आ जाता है, रेखीय पृष्ठ घनत्व आता है। यदि क्षेत्रफल पर बिखरा होता है तो उसका प्लेटों का पृष्ठ घनत्व आता है, ठीक है। और यदि इसके आयतन पर बिखरा होगा आवेश तो उसका आयतनिक घनत्व आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये पृष्ठ पर पूरे पृष्ठ पर क्षेत्रफल पर आता है तो इसलिए हम इसको क्षेत्रफल या पृष्ठ घनत्व कहते हैं, राइट। चलिएगा, तो
ऐसा अपनी ओर से मान लो, यदि कोई दिमाग में ज़्यादा बातें स्टोर मत किया करो, बस ऐसे याद कर लो कि भाई इन प्लेटों का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, हमने मान लिया, राइट। तो एक चीज़ पढ़ी थी तुमने पहले चैप्टर में, एक चीज़ पढ़ी थी कि जब कोई सीधा इस तरीके की कोई चालक होता है, यानी कि एक चालक प्लेट जिसका क्षेत्रफल ए है, तो उससे कुछ दूरी पर, यानी कि इस तरीके की प्लेट है, मैं आपको दिखा दूं, ऐसी प्लेट है और इस पर समान रूप से आवेश में वितरित कर दूं इस तरीके से, तो उससे कुछ दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में आया था, ई बराबर, यानी कि एक समतल आवेशित प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और यदि हमारे पास परावैद्युतांक है तो सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन 0, ये आई थी, याद हो तो, राइट। तो उसी तरीके से देखिएगा भाई, इसमें कितनी है, इसमें एक प्लेट तो ये है और एक प्लेट ये है, मतलब क्या है भाई, इस पर इतना धनावेश है, इस पर ऋणावेश है, लेकिन इस प्लेट के कारण भी उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक और धनात्मक होती नहीं है, याद रखना कि भैया माइनस और उन्हें लगाएंगे इसमें कि ये माइनस की हो जाएगी, कि ये माइनस का आवेश हो तो माइनस की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, तो आवेश में कभी माइनस प्लस नहीं लगाते जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो ओवरऑल बात ये है कि एक प्लेट ये है, ऐसी प्लेट होगी तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो इतनी मान लो, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो भी इतनी हो जाएगी, तो इतना मान लीजिए, ये भी इतनी, इसको E1 इसको E2 मान लो, इसके कारण E1 इसके कारण E2, तो ओवरऑल हमेशा याद रखना, वैसे ये चीज तो मैं आपको जीरो लेवल से बता रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि दो प्लेटें होती हैं तो उनके बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इतनी होती है, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0, यदि K नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये होती है, ठीक है। ये कब की बात है, जब कोई दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों के बीच के किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर दो प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर सिग्मा अपन के एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 को आप तो पता ही है कि जो सिग्मा होता है इन प्लेटों का पृष्ठ घनत्व होता है, ये हमें खोपड़ी में धर लो, सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो, ना धर पाओ तो कुछ खुजली मिट रही लग रही हो दिमाग में, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, देखो कैसे कि बेटा एक प्लेट जो होती है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, तो मैंने मान लिया इस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, माइनस वाली के कारण भी इतनी होगी, तो भैया इन दोनों के कारण जो उत्पन्न होगी तो दोनों को जोड़ देंगे, जब हम ये भी जोड़ेंगे तो 2 के एप्सिलॉन 0, तो कितना हो जाएगा, देखिएगा याद हो तो ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, बायोलॉजी वाले तो सभी, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे 2 के एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो कितना हो जाएगा 2 सिग्मा/2 के एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 इतना आ जाएगा। तो ओवरऑल सारी बातों को दिमाग से निकाल कर एक बात याद रख लीजिए, क्या कि दो प्लेटों के बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, याद रखना हमेशा, लो प्लेटों के बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, तो मैं लिख दूंगा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, इतनी आ गई, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी, ओके चलिएगा। अब आपको एक चीज और जानते हो क्या, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि E बराबर एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है कि भैया जब ये प्लेट हैं, प्लेट को आवेश दे रहे हैं क्यों, तो इन प्लेटों का विभव भी कुछ ना कुछ होगा, तो माना कि इन प्लेटों के बीच का जो विभव है, इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V है, तब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, माना तो यहां पे लिख देंगे, माना प्लेटों का विभव V
है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या होता है V अपॉन डी। ये भी आप जानते हो कि E बराबर क्या होता है V अपॉन डी होता है, राइट। तो ये चीज होती है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब प्लेटों के बीच की विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो हम ये चीज हम यहाँ पर रख सकते हैं। ये समीकरण एक मान लो या समीकरण दो मान लो, या सीधी सीधी बात है कि ये जो वाली जो चीज है यानी कि ये ई का मान इस वाली समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वी वट्टे डी बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से वी का मान निकालूंगा तो डी ऊपर चला जाएगा, सिग्मा इंटू डी वट्टे के एप्सिलॉन जीरो, ये V का मान निकल गया। लेकिन हमें V नहीं निकालना था, हमें निकालनी थी क्या, वैद्युत क्षेत्र सॉरी धारिता निकालनी थी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो धारिता बराबर क्या होता है, धारिता, अरे यार धारिता बराबर क्या होता है, आप ये चीज तो जानते हो, Q बराबर CV, ठीक है। तो धारिता बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टे V हो जाएगा, ठीक है, आवेश बट्टे विभव, ठीक है। चलिए तो C बराबर Q और V का मान कितना है, सिग्मा इंटू डी बट्टे के एप्सिलॉन जीरो। तो ये पूरी चीज ऊपर चली जाएगी तो C बराबर क्या आ जाएगा, Q और ये Q इंटू के एप्सिलॉन जीरो सिग्मा इंटू डी, ये चीज आ गई, राइट। इतना आ गया, ओके, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। लेकिन आप ये भी चीज तो जानते हो, ये सिग्मा हमने माना था पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व होता क्या है, पृष्ठ घनत्व बराबर होता है सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। मैंने पहले ही बताई थी कि एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा होती है ये पृष्ठ घनत्व। तो यहां से बेटा Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा ये। तो इस Q की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूँ। तो Q की जगह पर सिग्मा इंटू ए लिख सकते, नहीं लिख सकते हम, तो वो चीज़ तो इसको साइड में आप लिख लेना, क्या लिख लेना कि हम जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लिख देना, हम जानते हैं कि आवेश बराबर, आवेश Q बराबर होता है सिग्मा इंटू ए, ठीक है, सिग्मा इंटू ए। क्यों, क्योंकि आप इसे लिख देना पृष्ठ घनत्व, या फिर ऐसे लिख दो, हम जानते हैं ये वाला कि पृष्ठ घनत्व, हम जानते हैं पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन ए होता है भाई पृष्ठ घनत्व, ठीक है। जब पृष्ठ घनत्व ये होता है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो गया। ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये देखिएगा, ये आ जाएगा आपका C बराबर Q की जगह पर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ये है K एप्सिलॉन जीरो बट्टे सिग्मा इंटू डी। अब देखिएगा आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है, सिग्मा से सिग्मा कट गया तो क्या आ जाएगा, C बराबर A के एप्सिलॉन जीरो बट्टे डी, ये आ गया। और निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर लगा देंगे 1, तो C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन जीरो बट्टे डी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो A एप्सिलॉन जीरो बट्टे डी ये आ गया, इतने फेराड ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा था कि इसकी धारिता को, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो देखिएगा D नीचे आ रहा है, तो मतलब क्या है कि इन प्लेटों के बीच की दूरी को जितना बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा करेंगे धारिता उतनी ही कम हो जाएगी। लेकिन हमको क्या करना, हमको तो ये बताना कि धारिता कैसे बढ़ेगी, तो इन प्लेटों की बीच की दूरी को जितना कम करते जाएंगे उतना ही धारिता बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये दूरी क्या है, नीचे आ रही है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। दूसरी बात, प्लेटों का क्षेत्रफल ऊपर आ रहा है तो जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो धारिता का मान भी ज्यादा होगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, या प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए
प्लेटों का क्षेत्रफल तो ज्यादा होना चाहिए और प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, जितना ज्यादा कम होंगी उतना ही ज्यादा धारिता होगी। तो ये इसका बन गया। देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, एक दूसरा तरीका और है उसको भी मैं बता दे रहा हूं, आप ये कर लीजिए। बात यही है, इन फॉर्मूलों को आगे पीछे कर देते हैं हम, दूसरा तरीका और बता दे रहा हूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी आपको मैं बता दे रहा हूं। ओके चलिएगा, चलिए दूसरा तरीका और मैं बता दे रहा हूं आपको, देखिए। देखो ऐसा है, करने का तरीका होता है, आपके कोई किताब कैसे देती है कोई किताब कैसे करती है, आपको घबराना नहीं है। देखो सीधे सीधे बात वही चलती है, आगे पीछे कर दो लेकिन फॉर्मूला एग्जैक्टली वही आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, सिंपल से अभी अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, इतना ही बताया था राइट। और आप लिख दोगे तो भैया सिग्मा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि E बराबर, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बट्टे A होता है, पृष्ठ घनत्व बराबर K एप्सिलॉन जीरो, तो भाई E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा आपका Q बट्टे A K एप्सिलॉन जीरो। देखिएगा सिग्मा की जगह पे आप लिख सकते हो कि भैया सिग्मा बराबर होता है Q बट्टे A, ये चीज़ तो Q सिग्मा की जगह पर Q बट्टे मैंने यहीं पर रख दिया तो ये चीज़ आ गई राइट। तो चलिए इसको आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए। अब हमें तो धारिता चाहिए, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो लिख देंगे, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q बट्टे V होता है। यहाँ पर V का मान तो नहीं दे रखा, E का मान दे रखा है, तो आप यहाँ पर लिख दो Q C बराबर Q बट्टे V बराबर क्या होता है, E इंटू डी होता है, क्या होता है, समझ रहे हो, ये कैसे आया, ये यहाँ पर लिख दोगे, ना समझ में आए तो यहाँ पर लिख देना साइड में, चूंकि E बराबर होता है V अपॉन डी, तो इसलिए V बराबर हो जाएगा E इंटू डी, तो ये चीज यहां पर साइड में जोड़ देना, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भैया E बराबर होता है विभव बट्टे दूरी, उन्हें प्लेटों के बीच की दूरी, यानी प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है V बट्टे D होती है, तो भाई V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा, तो V की जगह पे मैंने क्या रख दिया, E इंटू डी रख दिया। अब E का मान रखने पर, E का मान रखने पर, E का मान रख देंगे, E का मान रख देंगे, तो C बराबर Q बट्टे, E की वैल्यू कितनी है, Q बट्टे A K एप्सिलॉन जीरो इंटू, ये क्या है, D है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो C बराबर क्या आ जाएगा, A K एप्सिलॉन जीरो इंटू Q, देखिए Q ये नीचे वाली जो चीज़ है ये ऊपर चली जाएगी, और ये Q इंटू D, ये बचाएगा आपका Q इंटू डी, ये बचाएगा। अब Q से ये Q कट जाएगा, तो C बराबर क्या आ जाएगा, C बराबर आपका आ जाएगा A K एप्सिलॉन जीरो बट्टे डी, ये D बचाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए हम क्या लगाते हैं, के बराबर वन लगाते हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन जीरो बट्टे डी, इतने फेराड, ये आप ये इजी लगे तो इसको कर लेना, बाकी वही चीज़ है, यहाँ पर ही रख दिया हमने ये मान, तो ये चीज़ आ गई, ये और ज़्यादा इजी सा हो गया है, तो बाकी वही इससे भी वही निकला, D नीचे आ रहा है, वही चीज़ आई है ना, A एप्सिलॉन जीरो बट्टे डी। तो समांतर प्लेट की धारिता को बढ़ाने के लिए
प्लेटों के बीच की दूरी कम कर देनी चाहिए और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक कर देना चाहिए। तो मतलब क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी, प्लेट का दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी, ये चीज़ है। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, प्रत्येक पॉइंट समझ में आ गया होगा, दोनों समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट या कोई समस्या परेशानी आपत्ति विपत्ति कुछ भी बचती है तो आप हमको कमेंट जरूर कर देना। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे 2 लाख पहुंचवाइए। और बाकी मिलते हैं खुश वीडियो में। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं खुश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।